नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं अगली खबर। ये खबर आ रही है गाजियाबाद से। सफदर हाशमी की शहादत दिवस पर झंडापुर में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें पहुंचे शाहवाना आजमी और जावेद अख्तर। आगे बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। वो बात थी, एक मशीन तो दिखाना था, लेकिन लोगों के साथ मशीन को कैसे दिखाया जाए, और उसके बारे में हम तो इसको पूछ रहा था सर। तो हमने कहा कि भाई चार्ली चैपलिन का एक फिल्म था मॉडर्न टाइम, वहाँ पे एक मशीन की जिक्र होती है, वो जरा देखने पहले तो तब कुछ पता चलेगा, आइडिया है। अब वो दिनों थे ना वेब थी, ना मीडिया था, ना यूट्यूब था। अब किसी न किसी तरीके से जाकर उसका पुलिस पकड़ के लिया है सर, और वो देख कर वो आवाज़ें जो निकालते हैं मशीन में, वो जो है उस समय उसके आधार पर की है। लेकिन आज की हालत जो कह रहे थे, अगर अपने देश को हम बदलेंगे नहीं, बिना शिक्षण की व्यवस्था है, समाजवादी दिशा में, तो यही हमारे देश का गणराज को बचाना ही मुश्किल होगा। आज वो तस्कर के रूप में दो जन्नाट मंच के नाटक थे हैं यार, एक हथियारे और दूसरा अपहरण भाईचारे का। दोनों ही सांप्रदायिक दंगों के बारे में और हिंदू मुसलमान के बीच में ये नफरत और आग और ये जो हिंसा जो फैलाने की पूरी कोशिश है, उसके खिलाफ कैसे लामबंद होकर हम सब मिलके हमारे देश की बचाव ही नहीं, लेकिन देश को बदलना है एक बेहतर भारत के रूप में। अब किसी ही सोच जज्बात के साथ और इसी सोच के साथ पूरी जिंदगी अपनी बिता दी उस अंदर। उस समय हमारी पार्टी की कांग्रेस हो रही थी, ज्वाइन में हम लोग सब वहां पे गए हुए थे, लेकिन सफदर को एक खास। आप लोग नाटक भी देखेंगे और उसके बाद उस किताब का विमोचन हमारे बीच में शाहवाना आजमी जी करेंगी, जो फिल्म अभिनेत्री नहीं बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके द्वारा आज उस। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आरबी न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान।